हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको नर्सरी में मिल जाते हैं। सभी प्लांट 50 रुपीज़ के अंडर ही आएंगे, तो आप अपने गार्डन में सस्ते करके ऐड कर सकते हो। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर आप मेरे सामने देख रहे हो कॉस्मोस का प्लांट है। कॉस्मोस के फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं देखने में, और इनकी सबसे अच्छी बात है कि फूल सूखने के बाद इनके पीछे की साइड जो बच जाता है उसी का सीड्स बनता है, जिसकी वजह से हम अपने घर पर इसके सीड्स से बहुत आसानी से इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो ये प्लांट आपको 15 से 20 रुपीज़ के आसपास नर्सरी में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा महंगा ये प्लांट नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम महंगा करके प्लांट छोड़ देते हैं, लेकिन ये सभी प्लांट देखिए कम प्राइस के हैं और फूलों वाले हैं, जो कि हमारे गार्डन को बहुत सुंदर सा लुक देते हैं। तो कॉस्मोस का प्लांट जो होता है काफ़ी हार्डी सा प्लांट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें सिर्फ 10-15 दिन में एक बार NPK के 2-4 दाने डाल दीजिए, उसी से ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप इसका सीड्स अगर मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, या फिर नर्सरी से बहुत कम पैसों में मिलता है, आप परचेस कर सकते हो। सेकंड नंबर पर हमारा आता है मैक्सिमम पिटोनिया। ओनली 20 रुपीज़ का आपको ये प्लांट मिलता है, और इसके फूल देखिए पर्पल कलर में होते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लुक आपके गार्डन को देंगे। और ये प्लांट के ऊपर ही देखिए आप, इसका बीज बनता है इस तरीके से। तो इसके बीज से भी इसको ग्रो करना बहुत आसान है। इसके जो ये बीज होता है आपको सिर्फ मिट्टी में डालना है, वहीं से इसके प्लांट उग जाएंगे। और कटिंग से भी आप इस प्लांट को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। इसके फ्लावर जो होते हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। इस प्लांट को डेकोरेट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा आता है देखिए मोगरा का प्लांट। तो मोगरा का प्लांट भी आपको 50 रुपीज़ का नर्सरी में मिल जाता है। मोगरा को आप कटिंग से बहुत इजी तैयार कर सकते हो, और मोगरा के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको 2 वैरायटी मिल जाती है, एक प्लांट होता है और एक इसमें वाइन होती है, जो कि आप कहीं पर भी फैला सकते हो। तो मैं अभी देखिए इसे सिर्फ 1 वीक पहले ही प्लांट को लेकर आई थी, और मैंने इसको रिपोर्ट किया हुआ है तो भी बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके बाद हमारा आता है चैन प्लांट या फिर हैंगिंग बास्केट प्लांट। इसको चैन प्लांट ही ज़्यादातर से बोलते हैं, क्योंकि इसके पास से देखिए इस तरीके से न्यू इसके प्लांट निकलते हैं, बेबी प्लांट, इसलिए इसको चैन प्लांट बोला जाता है। तो इसके जो ये प्लांट निकलते हैं इन्हीं के पीछे जड़ होती है इस तरीके से। तो आप इससे एक प्लांट से अपने ढेरों सारे प्लांट अपने घर पर तैयार कर सकते हो। ओनली 40 रुपीज़ का ये प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाता है। ये वाला प्लांट जो होता है ज़्यादातर से हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत बेस्ट प्लांट होता है, क्योंकि इसके देखिए चारों साइड से ही फैलते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा खाद डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है कॉस्मोस 9 o'clock, या फिर गुले दोपहरी भी आप इसको बोल सकते हैं। ये प्लांट ओनली 15 रुपीज़ का आपको नर्सरी में मिलता है। इसके ऊपर की साइड से सीड्स बहुत सारे इसके गिरते हैं, और छोटी से छोटी कटिंग इसकी बहुत इजी चलती है। तो आपको हाइब्रिड वाले भी और देसी वाले भी अपने घर में ही एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हो, क्योंकि इसकी ऊपर के टॉप से सिर्फ आपको छोटी सी कटिंग लेनी है और मिट्टी में लगा देना है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक सर्कुलेंट फैमिली से माना जाता है प्लांट, तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की वजह से फंगस लगकर ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा विंका सदाबहार। ये प्लांट भी देखने में बहुत सुंदर होता है, और इसके फूलों के कलर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। हाइब्रिड विंका है, ओनली 15 से 20 रुपीज़ का ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलेगा। मैं इसको 15 रुपीज़ के ही लेकर आई थी, तो मेरे पास देखिए विंका के बहुत सारे कलर हैं। विंका के ऊपर ही इसका सीड्स बनता है, और उसी सीड से इसे ग्रो करना बहुत आसान रहता है।
कटिंग से भी आप विंका को ग्रो कर सकते हो। विंका में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि देसी विंका होते हैं जो कि सदाबहार बोला जाता है, हमेशा ही फ्लावरिंग करते हैं सर्दी हो या फिर गर्मी हो। लेकिन ये जो हाइब्रिड वाले होते हैं ये थोड़ा अभी इसी टाइम पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है गोमफ्रीना। गोमफ्रीना के देखिए फूलों का साइज छोटा होता है लेकिन देखने में बहुत सुंदर ये लगते हैं। आप इस प्लांट को गार्डन में अपने ज़रूर ऐड करिए डेकोरेट के लिए, और सबसे अच्छी बात है इसमें केयर बहुत कम चाहिए होती है। इसके फ्लावर जो होते हैं एक बार खिलने के बाद काफ़ी टाइम तक बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लगते हैं, और ये प्लांट ओनली 20 रुपीज़ का आपको नर्सरी में मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है जीनिया। तो जीनिया के आपको कलर बहुत सारे मिल जाते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट, और इसके फूल का साइज़ देखिए आप कितना बड़ा है, और देखने में बहुत सुंदर इसका फ्लावर लगता है। जीनिया को आप सीडलिंग भी कर सकते हो इसकी, या फिर कटिंग से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। ओनली 15 रुपीज़ का एक प्लांट इसका मिलता है, तो आप जितने मर्जी इसके प्लांट अपने तैयार कर सकते हो। मेरे पास देखिए इसके कई सारे कलर हैं जीनिया के। जीनिया थोड़ा हैवी फीडर होता है, तो इसमें भी आपको वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना होता है। फर्टिलाइज़र आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हो या फिर NPK वगैरह भी पानी में घोलकर डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्लांट है नेस्ट्रेशियम। नेस्ट्रेशियम प्लांट के ऊपर देखिए ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है, और ये एक वाइन होती है जिसे आप कहीं पर भी बाउंड्री वगैरह पर फैला सकते हो। तो ये प्लांट जो होता है ये हमें 50 रुपीज़ का या फिर 40 रुपीज़ के आसपास आपको नर्सरी में मिल जाता है। इसके ऑरेंज कलर के जो फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, उसकी पिक मैं यहाँ पर लगा दूंगी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रोइयो प्लांट। रोइयो प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। इसकी लीव्स देखिए पर्पल कलर में, ग्रीन कलर में, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, और इसके पास से ही बेबी प्लांट निकलते हैं। आप एक प्लांट से ही अपने ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हो। तो ये प्लांट जो है आपको ओनली 30 रुपीज़ का नर्सरी में मिल जाता है। मैं इसको देखिए 30 रुपीज़ का ही लेकर आई थी, और मैंने इससे बहुत सारे प्लांट अपने बना लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेंटास। पेंटास के फूलों का कलर भी आपको कई सारे मिल जाते हैं। ये देखिए पिंक कलर में कितना सुंदर लग रहा है, और ओनली 40 रुपीज़ का आपको नर्सरी में पेंटास मिलता है। इसे आप कटिंग से या फिर सीड से बहुत ईजी अपने घर पर भी तैयार कर सकते हो। इसकी कटिंग देखिए, जो इसके स्टेम होते हैं तो इसकी कटिंग सॉफ्ट मिट्टी में अगर आप लगाओगे तो बहुत जल्दी तैयार होती है। कटिंग को आप कभी भी हार्ड मिट्टी में ना लगाएं, हमेशा सॉफ्ट मिट्टी में लगाएं, और बिल्कुल मीडियम पानी उसमें डालिए तो तब कटिंग तैयार होती है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है क्रोसेंड्रा। क्रोसेंड्रा बहुत खूबसूरत प्लांट है, और एक बार अगर आप नर्सरी से ले आओगे तो काफ़ी साल तक आपके पास रहता है। मेरा क्रोसेंड्रा 3 साल पुराना है, और अभी भी देखिए बहुत फ्लावरिंग कर रहा है, और मैंने इसमें से कटिंग भी अपनी तैयार की है। ओनली 50 रुपीज़ का आपको ये नर्सरी में मिल जाता है, और इसके सीड से भी और कटिंग से भी आप इजी तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये क्रोसेंड्रा की कटिंग लगाई है जो कि अच्छे से ग्रोथ कर रही है। इसमें से जो न्यू ब्रांच निकल रही है इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कटिंग तैयार हो रही है। तो इस तरीके से कटिंग में हमेशा सिर्फ नमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डालते हो तो उससे कटिंग गल जाती है नीचे की साइड से। इस तरीके से हमारी कटिंग ग्रो होती हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है लैला मजनू। लैला मजनू की पत्तियाँ देखिए आप, नीचे से लाल रंग की होती हैं, ऊपर से हरे रंग की होती हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर सा लुक ये हमारे गार्डन में देती हैं। तो आप डेकोरेट के लिए भी इस प्लांट को रख सकते हो। ओनली 50 रुपीज़ का ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलता है। इसमें सिर्फ आपको नाइट्रोजन वाली खाद, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ही डालनी होगी। इसमें कोई ज़्यादा केमिकल आप ना डालिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी केमिकल हम इसमें डालते हैं तो इसकी पत्तियाँ झड़ना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लांट है लोरोपेटलम। लोरोपेटलम की पर्पल कलर की पत्तियाँ हम बोल सकते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर होती है, और ये प्लांट जो होता है हैज बनाने के काम ज़्यादा आता है। ओनली 20 रुपीज़ का ये नर्सरी में आपको मिल जाएगा, और कटिंग से बहुत ईजी तैयार होता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो प्लांट
आपको बहुत ज़्यादा केयर इसको नहीं चाहिए होती है, सिर्फ आपको इसमें गोबर की खाद डालनी है 15 दिन में 20 दिन में, उसी से ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। मैंने देखिए इसके एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं, क्योंकि इसके जब लंबे से स्टेम हो जाते हैं तो मैं ऊपर के टॉप से इसकी कटिंग लगा देती हूँ और जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्लांट्स जो कि आप नर्सरी से बहुत कम रेंज में ले सकते हो। और यहाँ पर देखिए मेरे जरबेरा प्लांट पर कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं, एक साथ में ही 5 से 6 फ्लावर आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।